एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को और सभी का स्वागत है फिर से मेरा एक और नया वीडियो पे। सो गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा ब्लॉग को यहाँ से। तो फिलहाल तो अभी हम लोग दो जन है घर पे, फिर चिली है, मैं हूँ, तो भैया और भाभी दोनों जा चुके हैं सुबह सुबह खेत में। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ बनाऊँ, मतलब खाने में आज मैं खाना बनाऊंगी, शायद मैं बनाने वाली हूँ थारो का फ्लेवर। तो गाइस अभी हम लोग जाते हैं यहाँ से थोड़ने के लिए फटाफट से, यहाँ से ले लेते हैं बाल्टी और दाव। तो हम दोनों जाएंगे, अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धूप दे रहा है, तो कोई बात नहीं, ये भी जा रही है थोड़ा एक छाता लेके का, यहाँ से फ्लावर देख रही है बहुत। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे। तो गैस यहाँ पे है तारों का बागान, तो मैं अभी यहाँ से तोड़ूंगी तारों का फ्लावर। तो वहाँ पे तो उसने पहले से तोड़ना शुरू कर दिया है, अभी मैं इसे तोड़ूंगी। और मुझे यहाँ पे छोटा सा कुकुम्बर मिल गया है, छोटा छोटा वाला खीरा को खाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, बड़ा वाला तो उतना भी नहीं लगता। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो अभी फाइनली इतना हो चुका है और हम लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे जितना भी मिलता है। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ से स्नैकर लेने के लिए आई हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा खीरा रखा हुआ है, बहुत सारा मिले। फाइनली हो गया, पूरा एक बाल्टी हो गया। और यहाँ पे है स्नेक गार्ड का साग, और यहाँ पे पूरा बहुत सारा लगा हुआ था लेकिन हम लोगों ने पूरा तोड़ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा झींगा रखा गया है एकदम पूरा सूखा हुआ वाला, तो आज हम लोग इसका सब्जी बना के खाने वाले हैं। और मैंने यहाँ पे चावल को चढ़ा दिया पकने के लिए, और यहाँ पे है थारो का फ्लावर, बाद में मैं इसे ठीक करूँगी। सबसे पहले मैं झींगा को बनाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे मिर्ची प्याज डाल दिया है, बाद में और सब कुछ डाल दूँगी। तो दोस्तों अभी तो वहाँ पे बन रहा है झींगा, तो तब तक मैं इसको अच्छे से काट देती हूँ छोटा 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 करके, टुकड़ा टुकड़ा करके इसको बढ़िया से करते हैं पूरा स्पीड से। फाइनली हो गया धीरे 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 धीरे। और मैं यहाँ पे चावल का आटा डाल दिया है, तो इसको अच्छे से पूरा मिक्स करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बॉयल करके बनाने वाली हूँ थारो का फ्लावर को, तो यहाँ पे सब कुछ मैंने डाल दिया है। और दोस्तों थारो का फ्लावर से बहुत ज़्यादा पूरा कलर निकलता है और मेरे हाथों में भी लग गया है। फाइनली यहाँ पे उबल रहा है, तो मैं अभी इसका ऊपर में डाल दूँगी थारो का फ्लावर को। तो दोस्तों और मैं यहाँ पे अभी मिक्स करने वाली हूँ बम्बू शूट, जो कि ये थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, मिक्स करने से बहुत ही ज़्यादा पूरा बढ़िया लगता है सब्जी इसे। और अभी थोड़ा देर के लिए हमें वेट करना पड़ेगा।
और मैं फ़िलहाल आ गई हूँ यहाँ पे मसाला फत्ता लेने के लिए, जो कि हम लोग इसे कहते हैं सबरिंग, बहुत ही खुशबूदार होता है। तो चलो चलते हैं हम लोग। दोस्तों अभी फाइनली खाना बना के हो चुका है, तो हम लोग बाद में खाना खाएंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़िया से खाना खाएंगे। गाइस तो फाइनली अभी हम लोग का खाना बना खाके कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लोग जाएंगे बहुत ही धूप में। और हम लोग आज खाने वाले हैं रसीला वाला, क्या बोलो उसको, अनारस लेने जा रही है अभी मैं। अनारस नहीं, अनारस। और हम लोग यहाँ जा रहे अनारस ढूंढने के लिए। यहाँ पे तो पूरा कच्चा कच्चा है बाबा, ये कच्चा है यहाँ पे। पाइनएप्पल तो नहीं मिला, पका वाला पहले में बहुत सारे थे लेकिन मैं गए नहीं गई थी, तो अभी तो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं पका पका वाला, तो कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग आए हैं फिलहाल नींबू का पेड़ में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी मिर्ची को खोद रही हूँ पूरा अच्छी तरह से, और उसके बाद मैं मिक्स करने वाली हूँ ड्राई पीस। तो अभी मैं जलाने के लिए जाऊँगी या तो यहाँ पे मैं जला रही हूँ ड्राई पीस को बढ़िया से पूरी तरह से। तो ड्राई पीस को और बहुत पूरा अच्छी तरह से जलाना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद में हम लोग इसे निकालेंगे। दोस्तों फाइनली अभी हो चुका है ड्राई फिश को जला के बहुत अच्छी तरह से, तो अभी और छोटा करके टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से इसे खोदना पड़ेगा मिर्ची और ड्राई फिश को मिक्स करके। अभी मैंने पूरी तरह से नंगा कर दिया है, पूरा छील के निकाल दिया, इसका चमड़ा उतार दिया है, यहाँ पे बहुत सारा छिलका हो गया है, तो अभी इसे और बढ़िया से करना पड़ेगा। तो ये वाला मिर्ची अभी मैं मिक्स करने वाली हूँ लेमन पे, बहुत ज़्यादा पूरा तीखा होने वाला है दोस्तों, पता नहीं कैसा होने वाला है लेकिन उतना भी नहीं होगा। तो चलिए मिक्स करते हैं हम लोग। गाइस सब बना के कंप्लीट हो चुका है, तो मैं टेस्टिंग करके देखती हूँ। एक चम्मच जब फाइनली हम लोग का डिनर सब कुछ हो चुका है रात का। तो यहाँ पे जो है थोड़ी देर पहले ही खा रहे आया था, और यहाँ पे पूरा दिन भर खा रहे नहीं था इतना खराब से। तो गाइस हम लोग आज का वीडियो को यहाँ पे खत्म कर दे हैं, मिलते हैं फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका चला गया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मैंने एक और नया चैनल खोला है छोटा सा, मैं उसमें मिनी ब्लॉग्स डालूंगी और शॉर्ट वीडियो डालूंगी। तो गाइस वो चैनल का नाम है आशुमी, और मैं देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन का लिंक पे, आप लोग उसे जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग मिलते हैं, बाय बाय, और सभी का गुड नाइट।